नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीक्रेट ड्रीम्स ऑफ लाइफ चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ सपने में लड्डू देखने का अर्थ, मतलब शुभ होता है या अशुभ के बारे में कुछ जानकारियाँ। सपने का दो रूप होते हैं, एक शुभ फल देने वाला और एक अशुभ फल देने वाला। आपने सपने में लड्डू को किस स्थिति में देखा है, उसी अनुसार ही हम इसका सही संकेत और मतलब जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए सपन शास्त्र के अनुसार सपने में लड्डू देखना कैसा होता है। यदि आपके सपने में आपको लड्डू दिखाई देता है तो इसका यह अर्थ होता है कि सपन शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आपको कोई नया कार्य करना है तो ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, आपको कार्य कर देना चाहिए। और आप कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, अभी कार्य शुरू कर देंगे तो आपको उसमें तरक्की मिलेगा। यदि विवाहित स्त्री को सपने में कोई लड्डू हाथ में देता ऐसा सपना दिखाई देता है तो इसका यह अर्थ होता है कि आने वाले समय में आपको खुशखबरी मिलने वाला है। यदि आपके सपने में आप लड्डू खुद बांटते हुए दिखाई देते हैं तो इसका यह अर्थ होता है कि आने वाले समय में आपको बहुत ही सफलता मिलने वाला है, आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूरी होने वाली है। यदि कोई लड़के को सपन में लड्डू दिखाई देता है तो ऐसा सपना देखना आपके लिए बहुत ही शुभ है और आपके लिए आने वाले समय में आपने जो भी मनचाहा जीवन साथी चुना है वो मिलेगा। यदि आपकी शादी की बात चल रही है तो उसमें आपकी बात पक्की हो जाएगी। यदि आपके सपने में आपको प्रसाद में लड्डू मिलता है तो इसका यह अर्थ होता है कि आने वाले समय में आपको धन प्राप्ति होने वाला है। यदि आपके सपने में आपको लड्डू कोई देता है और आपके हाथ से छूट जाता है तो ऐसे में इसका यही अर्थ होता है कि भी शुभ कार्य होने वाला था उसमें रुकावट होने वाली है। यदि आपको ऐसा सपना दिखाई देता है तो इसका यही संकेत होता है। यदि आपके सपने में आपको सफेद लड्डू दिखाई देता है तो इसका ये संकेत होता है कि आपके जीवन में कोई टेंशन या मानसिक तनाव चल रहा है, उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। सफेद लड्डू देखने का संकेत ये होता है कि वो शांति का प्रतीक होता है सफेद, और आपके जीवन में जितनी भी कष्ट हो रही थी उससे आपको छुटकारा मिलेगा और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही सुख शांति का समय रहेगा। यदि आपके सपने में खराब लड्डू दिखाई देता है, अर्थात लड्डू में कीड़ा लगा हुआ या फंगस लगा हुआ लड्डू दिखाई देता है तो इसका ये अर्थ होता है कि आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपने परिवार का भी। यदि आपके सपने में आपको खराब लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं तो इसका ये अर्थ होता है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही सोचते हैं और आप बहुत चिंता करते हैं। आपको चिंता नहीं करनी, अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखिए और आप कुछ खाने से पहले उसको सही तरह से देखकर सोचकर ही खाइए। ऐसा करेंगे तो आपके स्वास्थ्य सही रहेगा। यदि आप सपने में लड्डू खरीदते हुए दिखाई देते हैं तो इसका यह अर्थ होता है कि सपन शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा सपना देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके मन में कोई भी इच्छा है वो जल्दी ही पूरी होने वाली है। कभी भी आपको ऐसा सपना दिखाई दे तो आप सुबह उठकर गणेश भगवान जी को लड्डू चढ़ाइए, उसका भोग लगाइए। ऐसा करेंगे तो आपका हर काम मंगल होगा। आज हमने आपको बताया कि सपन में लड्डू देखना, खाना, हाथ से घेरना शुभ होता है या अशुभ के बारे में कुछ जानकारियाँ। और आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर पूछिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आप हमें लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।